बिट्टा साहब भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। बिट्टा साहब भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। बात सुनिए जी बिट्टा साहब, आपने कहा कि मेरी जरूरत हुई मैं भी जाऊंगा बॉर्डर पे, आपने कहा आप तैयार बैठो 99। अरे बात सुनिए पहले, 92 का 93 का मेरा इतिहास देख लीजिए। जब आपने 93 में बॉम्बे में ब्लास्ट किए थे ISI ने, आपके वाघा बॉर्डर, आपका कच्छ बॉर्डर, आपका यमुनानगर बॉर्डर, लाखों की भीड़ लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को तिरंगे झंडे लेके पहुंच गया था। क्या कहा था आपके रेंजरों ने, क्या कहा था बिट्टा का? बोला वो बुरा बड़ा कहना बंद करें, नहीं तो रॉकेट लॉन्चर गोलियां चलाएंगे। मैंने क्या कहा था? मैं कहा लाखों की भीड़ तुम्हारा बॉर्डर तोड़ करके, वाघा बॉर्डर तेरे लाहौर में तिरंगे झंडा लेके घुस जाएगी पाकिस्तान, ISI तेरी गोलियां भी खत्म हो जाएगी। पहले मेरे इतिहास को ISI से पढ़ लो। ये वो बिट्टा बता रहा है आपको। और आज तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक गोली चलेगी 100 चलाता। आपने पठानकोट की दीना, आज तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बता दिया, याद दिला दिया, इतिहास याद दिला दिया, बता दिया कि जब ऐसी जरूरत पहले की थी तो क्या हुआ था। बेटा जी वापस बात करेंगे। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।